बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलावर है और एडवाइज एसोसिएट के यूट्यूब चैनल के साथ आज हम आपको जिस सेक्टर की वीडियो बनाने जा रहे हैं वो फेज़ एट में सेक्टर एन है। सेक्टर एन जो है ये फेज़ एट में एक छोटा सा 10 मरले का रिहायशी सेक्टर है। आपको नज़र आ रहा होगा पीछे बोर्ड भी एन ब्लॉक का लगा हुआ है। हमारे बैक साइड के ऊपर जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये रास्ता जो है ये रूट स्कूल से आता है। रूट स्कूल के बाद आई ब्लॉक है। आई के बाद जो है ये आपको जो आपको बैक साइड के प्लॉट नज़र आ रहे हैं ये एल ब्लॉक के 10 मरला के प्लॉट हैं। इन जो नंबर्स हैं इनमें जो प्लॉट की वैल्यू है 10 मरला की तकरीबन 40-45 लाख रुपीज़ है। हम आपको एन ब्लॉक का दिखा रहे हैं। ये जो बैक साइड के ऊपर रोड आपको नज़र आ रहा है ये रोड बिल्कुल एन ब्लॉक को टच करता है और मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर ये जो आपको रिहायशी प्लॉट डिवेलप प्लॉट नज़र आ रहे हैं बैक साइड के ऊपर ये फेज़ एट का एन ब्लॉक है और इस ब्लॉक में घर बनना शुरू हो गए हैं। एक छोटा सा सेक्टर है, 400-300 टोटल प्लॉट नंबर है यहाँ पे और एक ही इंटरेस्ट है, एक गेटेड कम्युनिटी है। बैक साइड के ऊपर आपको सेक्टर नज़र आ रहा है हाइट लोकेशन के ऊपर ये प्लॉट सेक्टर्स हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी सेक्टर की डिटेल है वो हम सेक्टर के अंदर जाके आपको देते हैं। एन ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 18 में खड़े हुए हैं। एन ब्लॉक फेज़ एट का जो सेक्टर है ये एक बहुत ही खूबसूरत हाइट लोकेशन के ऊपर ये सेक्टर वाक़ है और इस सेक्टर में सिर्फ 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स हैं। फेज़ एट में अगर आप कम बजट में प्लॉट लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप घर बनाना चाह रहे हैं तो फेज़ एट में ये जो सेक्टर है ये प्राइस में सबसे कम और लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। हाइट है, आपको व्यू भी नज़र आ रहा होगा बैक साइड के ऊपर, आपको जितना भी आबादी नज़र आ रही है ये फेज़ एट के जो सेक्टर्स हैं जिसमें ओवरसीज सेक्टर्स आते हैं, एच ब्लॉक आता है, ये आपको बैक साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। मैप के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटा सा गेटेड कम्युनिटी सेक्टर है एन ब्लॉक। एन ब्लॉक में जो लोकेशन है ये हाइट पर है और आपको जो बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये जो ग्रीन नज़र आ रही है ये एन ब्लॉक की पार्क और मस्जिद की जगह है। 10 मरला के रिहायशी प्लॉट कम कीमत में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा जो सेक्टर है वो फेज़ एट में एन ब्लॉक है। अगर हम इस सेक्टर में प्लॉट नंबरिंग की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट जो 10 मरला के हैं वो तकरीबन 300 प्लॉट 10 मरला के हैं और सारे जो प्लॉट्स हैं वो डेवलप हैं। आपको नज़र आ रहा होगा बैक साइड के ऊपर 2 से 3 घर भी आपको नज़र आ रहा है बन रहा है। छोटा सा सेक्टर है और ये बहुत जल्दी जो सेक्टर है, इस तरह के सेक्टर बहुत जल्दी आबाद हो जाते हैं। एक ही इंटरेस्ट है इसकी जो आपको फेज़ एट से एन ब्लॉक में लेके आती है। एन ब्लॉक के जो अगर राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो ये फेज़ एट का रोज़ गार्डन सेक्टर है। इसकी भी हमारी मुकम्मल वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, एडवाइस शेट के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मौजूद है। आप यूट्यूब के ऊपर रोज़ गार्डन की भी जगह देख सकते हैं, वहाँ पे रिहायशें बनी हुई हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। रूट स्कूल जो फेज़ एट में सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर है, यहाँ से उस जो रूट स्कूल की बिल्डिंग है, जो ऑपरेशनल स्कूल सिस्टम है रूट्स का, वो यहाँ से मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ से बैक साइड के ऊपर एल ब्लॉक है और उसके साथ आई ब्लॉक है और रूट स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ पे। एडवाइज एसोसिएट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और जो भी नए अपडेट्स बहरिया टाउन की या किसी भी सेक्टर के मुतल्लिक अगर आप वीडियो जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी वीडियो ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बहरिया टाउन में कोई भी मज़ीद मालूमात लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे रब्ता करें। थैंक यू।